हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच सी जोशी, टी जी टी एस एस टी केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी सेकंड शिफ्ट देहरादून। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्लास टेंथ चैप्टर थ्री द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट थ्री द इंटर वॉर इकोनॉमी। पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी अधिक का समय लग गया। पार्ट थ्री को हम 5 टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस, युद्धकालीन रूपांतरण। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। ऑन द वन साइड वर द एलीज बिटवीन फ्रांस एंड रसिया, लेटर ज्वाइन बाय द यूएस, एंड ऑन द अपोजिट साइड वर द सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। When the war began in August 1914, many governments thought it would be over by Christmas. It lasted more than 4 years. पहला विश्व युद्ध दो पावर्स के बीच लड़ा गया था। एक ओर थे मित्र राष्ट्र एलीज ब्रिटेन फ्रांस और रशिया, बाद में अमेरिका ने भी उन्हें ज्वाइन किया था, और दूसरी ओर थे केंद्रीय शक्तियाँ सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध अधिक से अधिक क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध 4 साल से भी अधिक समय तक चला। दिस वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वीपन्स एक्सेट्रा ऑन अ मैसिव स्केल। दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। To fight the war, millions of soldiers had to be recruited from around the world and moved to the front line on large ships and trains. The scale of death and destruction, 9 million dead and 20 million injured, was unthinkable before the industrial age without the use of industrial arms. ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गन, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का बहुत अधिक स्तर पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों से भरकर युद्ध पर ले जाया जाता था। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज। दीज डेथ्स एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्कफोर्स इन यूरोप विथ फ्यूअर नंबर्स within the family, household incomes declined after the war. Men were forced to engage in wars, thus women engaged in factories. Women were working in jobs which were earlier considered male dominant. Britain borrowed large sums of money from US banks as well as the US public, thus the war transformed the US from being an international debtor to an international creditor. मरने वाले या अपाहिज होने वालों में अधिकतर लोग कामकाजी उम्र के थे। इससे यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की भारी कमी हो गई। हर परिवार में कमाने वालों की संख्या घटने के साथ पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी भी घट गई। अधिकतर पुरुषों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। कारखानों में पुरुषों के स्थान पर महिलाएं काम करने लगीं। महिलाएं वे सभी काम कर रही थी जो पहले पुरुष काम किया करते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच के संबंध टूट गए। युद्ध के खर्चे उठाने के लिए ब्रिटेन को अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार इंटरनेशनल डेप्टर से एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बना दिया। दूसरा टॉपिक है हमारा पोस्ट वॉर रिकवरी। व्हाइल ब्रिटेन वाज बिजी इन वॉर, इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिगेन इट्स पोजिशन इन इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, ऑल्सो अनेबल टू कम्पीट विद जापान। At the end of war, Britain was under huge debt from the United States. During the war, there was increased demands for goods. Result, economic boom in Britain. War ended, demand fell. 20% British workers lost their jobs. युद्ध के बाद सुधार। जब ब्रिटेन युद्ध में उलझा था, तब जापान और भारत में उद्योगों का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। ब्रिटेन की अब वह स्थिति नहीं रह गई थी कि जापान से टक्कर ले सके। अब ब्रिटेन पर अमेरिका का भारी कर्जा चढ़ चुका था। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीज़ों की मांग में बहुत तेजी आई थी, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन युद्ध के बाद उन चीज़ों की मांग कम हो गई और युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% जो मजदूर हैं उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।
बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड मार्केट. वेन दिस सप्लाई वॉज डिसरप्टेड ड्यूरिंग द वॉर, व्हीट प्रोडक्शन इन कैनेडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली. बट वंस द वॉर वॉज ओवर, प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड अ ग्लट इन व्हीट आउटपुट. ग्रेन प्राइसेज फेल, रूरल इनकम्स डिक्लाइन एंड फार्मर्स फेल डीपर इन टू डेब्ट. युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन अब पूर्वी यूरोप भी युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए अब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरे थे. युद्ध समाप्त होने के साथ ही पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी थी. अब बाजार में गेहूं की बहुत अधिकता हो गई थी और कीमतों में भारी गिरावट हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो गई. तीसरा टॉपिक है हमारा राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत. यूएस इकोनॉमी वॉज क्विक टू रिकवर आफ्टर द इफेक्ट ऑफ वॉर ड्यूरिंग 1920s. यूनिक फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी वॉज मास प्रोडक्शन. हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स, पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज. मास प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग प्राइसेज. वर्कर्स बिगिन टू अर्न बेटर इन यूएस, ह्यूज डिमांड्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स. कार प्रोडक्शन इन 1919 इट वॉज 2 मिलियन एंड इन 1929 इट बिकेम 5 मिलियन. अमेरिका की अर्थव्यवस्था को युद्ध के बाद के झटकों से तेजी से मुक्ति मिलने लगी. 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई थी बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन. फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड को मास प्रोडक्शन का जनक माना जाता है. बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतों में गिरावट आई. शुरू में श्रमिकों को असेंबली लाइन पर कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ तालमेल बिठाने में बड़ी समस्या आई. कई लोगों ने काम छोड़ दिया. इससे निपटने के लिए हेनरी फोर्ड ने जो सैलरी है उसे दुगना कर दिया. अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए अब वे कार जैसी महंगी चीज़ भी खरीद सकते थे. इसलिए विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी. कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया. प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट गुड्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियो एटसेट्रा वॉज इंक्रीजिंग. ऑल्सो हाउसिंग बूम इन यूएस मार्केट. ऑल ऑफ दिस मेड यूएस अ प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी. स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ओवरसीज वेंडर. हेल्प्ड इन यूरोपियन रिकवरी. बूस्टेड वर्ल्ड ट्रेड फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स. इसी तरह से जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी. अमेरिका में घरों की मांग में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई. आसान किस्तों पर कर्ज मिलने की सुविधा के कारण यह मांग और तेजी से बढ़ने लगी. इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खुशहाली आ गई. 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को भी कर्ज या पूंजी देना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया. इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला और अगले 6 वर्षों तक पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि होती रही. चौथा टॉपिक है हमारा द ग्रेट डिप्रेशन, विश्वव्यापी मंदी. 1920s एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिजल्टेड इन लोअर प्राइस. फार्मर्स ट्राइड टू कंपेंसेट बाय प्रोड्यूसिंग इवन मोर लेड टू फर्दर फॉल इन प्राइसेस. फार्म प्रोडक्ट्स रॉटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बायर्स. जरूरत से ज्यादा कृषि उत्पादन. 1920 के दशक में कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा उत्पादन एक बहुत बड़ी समस्या थी. कृषि उत्पादों की अत्यधिक आपूर्ति के कारण कीमतें तेजी से कम हो रही थी. इसकी भरपाई के लिए किसानों ने और भी अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया. इसके फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की बाढ़ सी आ गई, जिससे कीमतें और कम हो गई. खरीदार न मिलने के कारण कृषि उत्पाद खराब होने लगे. विथड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स. मैनी यूरोपियन कंट्रीज वर डिपेंडेंट ऑन यूएस लोन्स, बट यूएस वेंडर पैनिक्ड. अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी. कई यूरोपीय देश कर्ज के लिए अमेरिका पर बुरी तरह से निर्भर थे. जब समय सही होता था तो कर्ज आसानी से मिल जाता था, लेकिन जरा सी मुसीबत आते ही अमेरिकी साहूकार घबरा जाते थे. 1928 यूएस लोन्स अमाउंटेड $1 बिलियन. विद इन अ ईयर इट वॉज $250 मिलियन. विथड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मेनी कंट्रीज. यूरोप बैंक्स एंड करेंसीज कोलैप्स्ड. एग्रीकल्चरल मार्केट स्लम्प्ड इन लैटिन अमेरिका. यूएस ट्राइड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी बाई डबलिंग इट्स इम्पोर्ट ड्यूटीज. यूएस वॉज मोस्ट सेवरली अफेक्टेड बाई डिप्रेशन. प्राइसेज वर फॉलिंग. यूएस बैंक्स स्लैश्ड डोमेस्टिक लैंडिंग एंड कॉल्ड बैक लोन्स.
हाउसहोल्ड इनकम फेल, मैनी वर नॉट इन पोजिशन टू रिपे लोन्स फॉर होम्स एंड वाइट गुड्स। 1928 के पूर्वार्ध में अमेरिका द्वारा दिए गए कर्ज की राशि थी 100 करोड़ डॉलर, लेकिन एक साल के भीतर यह राशि घटकर 24 करोड़ रह गई। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, इससे कई बैंक तबाह हो गए और यूरोप की मुद्राएं भी बर्बाद हो गई। इस दौरान पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसमें भी भारी गिरावट आई। लैटिन अमेरिका का कृषि बाजार तेजी से लुढ़क गया। अमेरिका में अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने के उद्देश्य से आयात पर लगने वाले शुल्क को दोगुना कर दिया, जिसका विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा। अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देने में कमी कर दी और पुराने कर्जों की वसूली का प्रयास तेज कर दिया। आमदनी घट जाने के कारण अधिकतर लोग कर्ज नहीं पे कर पा रहे थे और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बैंकों के लिए कर्ज वसूलना मुश्किल हो रहा था, और इस तरीके से अमेरिका में हजारों बैंक दिवालिया हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज्ड, बैंक्स अनेबल टू कलेक्ट लोन्स, थाउजेंड ऑफ यूएस बैंक्स वेंट बैंकक्रप्ट बिटवीन 1929 टू 1932, 110,000 कंपनीज क्लोज्ड एंड बाय 1933 4,000 बैंक्स क्लोज्ड, रिकवरी बिगिन बाय 1935। 1933 आते आते 4,000 से अधिक बैंक बंद हो गए। 1929 से 1932 के बीच लगभग 110,000 कंपनियां बंद हो गई और सन 1935 से अधिकतर देशों में थोड़ा सुधार शुरू हुआ। पांचवा टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी और भारत। डिप्रेशन अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी एज वेल। Between 1928 to 1934, India's import and export became nearly half. Wheat prices fell by 50%. Falling prices of farm product, still government demanded same revenue from farmers. Farmer worst sufferers in this situation. Farmer forced to utilize their saving, sell land and jewelry. आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर पड़ा। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया और गेहूं की कीमतों में 50% की कमी आई। सरकार को कृषि उत्पादों की घटती कीमतों की कोई परवाह न थी, वह तो किसानों से पुराने दर पर ही लगान वसूलना चाहती थी। लगान नहीं चुकाने पर किसानों को अपनी जमा पूंजी निकालनी पड़ी और जमीन और जेवर भी बेचने पड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत महंगी धातुओं का निर्यातक बन गया। In these depression years, India became an exporter of precious metals, notably gold. Depression proved less grim for urban dwellers. Price fell. Urban dwellers and salaried people found the life much easier. Industrial investment also grew as the government extended tariff protection to industries under the pressure of nationalist opinion. आर्थिक मंदी का भारत के शहरी क्षेत्रों में उतना असर नहीं पड़ा। शहर में रहने वाले लोगों का जीवन कीमतें घटने के कारण पहले से आसान हो गया। भारत के राष्ट्रपति नेताओं के दबाव के कारण उद्योगों को अधिक संरक्षण मिलने लगा, जिससे उद्योग में अधिक निवेश हुआ।